को यकी है, न जाने क्यों लगता है मेरा जब हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और फ्रेंड, ये वीडियो तो मेरा दोपहर टाइम का, दोपहर भी नहीं, थोड़ा सा लेट है, लेकिन मैं नहा धो ली हूँ, उसके बाद फिर रूम का सफाई कर रही हूँ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और करते करते बहुत लेट हो रहा था। मैं सोची कि नहा के पूजा कर लूँ, उसके बाद फिर और काम करूँगी। तो नहाने के बाद फिर रूम का साफ सफाई जो सब है कर रही हूँ। और फ्रेंड, आप लोग को अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग सिर्फ कमेंट करते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, और वीडियो में अगर कुछ कमी दिखता है तो वो भी कमेंट कीजिए ताकि उसको मैं सुधार सकूं। तो फिर अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। हेलो फ्रेंड, हाय, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। और फ्रेंड, और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और फ्रेंड, आज देखिए आज मैं क्या पहनी हूँ। मैं गर्मी में ऐसा कॉस्ट्यूम नहीं पहनती हूँ क्योंकि कंफर्टेबल फील नहीं होता है, लेकिन अब तो सर्दी आ गया, ठंडी आ गया, तो मैं आज देखी क्या पहनी हूँ। तो मैं घर में आज जींस पहनी, क्योंकि सर्दी में मैं पहन लेती हूँ कभी कभी, और गर्मी में कंफर्टेबल नहीं फील कर पाती तो नहीं पहनती हूँ। और वीडियो मेरा मेरे ससुराल वाले देखेंगे तो पता नहीं क्या कमेंट करेंगे मेरे वीडियो पे। ऐसे कोई देखते नहीं हैं, लेकिन इत्तेफाक कभी देख लिए, लेकिन मेरे ससुराल वाले कोई अभी वीडियो नहीं देखते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा इस बात को आउट अभी नहीं करी हुई। जब मेरा चैनल ग्रो करेगा तब मैं इस बात को आउट करूँगी, अभी नहीं मैं बताई हूँ किसी को। तो और मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं इस ड्रेस पे कैसी लग रही हूँ। तो मैं वीडियो में तो पहली बार इस ड्रेस पे आई हूँ, टी शर्ट पे। ऐसे लॉन्ग टॉप तो मैं पहनती हूँ वीडियो में भी, लेकिन टी शर्ट पे पहनी हूँ तो डांट मत लगी है। नहीं फ्रेंड है ना तेरी, वो मेरे को डांट नहीं लगाती है, उसकी कॉपी नहीं बना के लेके जाती हूँ, तो कल पूरी कॉपी कंप्लीट लिख करके लेके गई थी। मैं वीडियो बन जाएगा बस छोड़ा मेरा बच्चा लाया इनके सेम सेम दे दीजिए भैया, आधा की ना भैया दे दीजिए। और फ्रेंड, अभी हो रही है शाम, शाम के बज रहे हैं 6:30, और 6:30 में ठंडा का मौसम है तो थोड़ा सा चाय तो बनता है, तो चलते हैं थोड़ा चाय बनाऊंगी, फिर दिया दिखाना है। सब्जी है कुछ जो गली में आया था ठेला, तो उससे मैं ले ली। कुछ सब्जी था घर में लेकिन फिर भी ये कुछ सब्जी मैं ले ली, खरीद ली। तो अभी फिर ये सब काम करके फिर खाना भी बनाना है, और टाइम 6:30 बज गया है, दिया ये सब दिखाना है। और फ्रेंड, दिया दिखाने से याद आया कि मेरे लड्डू गोपाल के दो ही कपड़े थे, दो ही मैं ली थी, उसमें पता नहीं एक कपड़ा कहाँ गायब हो गया। मैं पूजा के पास रखी थी सूखने के लिए, यहाँ पे रख देती तो सही रहता है,
वहाँ से मुझे लगता है चूहा लेके भाग गया। तो मेरे लड्डू गोपाल के अब कपड़ा खरीदना पड़ेगा या फिर मैं जुगाड़ करती हूँ घर में, अगर सिल जाए तो सिल लूँगी खुद से। तो जा रही हूँ अभी दिया दिखाने के लिए। और फिर आके चाय बनाऊंगी, फिर मेरा किचन भी थोड़ा बिखरा पड़ा है वो सब भी थोड़ा अरेंज करना है। और अभी कुछ मीठा भी मेरा मन कर रहा है खाने का, तो थोड़ा हलवा भी मैं बनाऊंगी, क्योंकि मेरा सूजी भी थोड़ा बर्बाद सा हो रहा है, कहीं ख़राब ना हो जाए, तो मैं थोड़ा हलवा भी बनाऊंगी। तो सबसे पहला काम है दिया दिखाने का, क्योंकि 6:30 हो गया है, टाइम ज़्यादा है। तो चलिए। और फ्रेंड ये मैं शाम के टाइम में आ गई किचन में, तो किचन में थोड़ा सा मैं मीठा हलवा बना रही हूँ। तो मीठा तो कोई खाते नहीं है, इसलिए बहुत कम मैं मीठा बनाती हूँ, लेकिन मैं खाती हूँ इसलिए कभी कभी बनाती हूँ खुद के लिए। तो ये मीठे में मैं हलवा बना रही हूँ शाम में। और ये सूजी को भून के उसके बाद थोड़ा पानी डाल दी, और थोड़ा सा दूध था वो भी मैं डाल दी, जो कि ये गलती की, मुझे अच्छा नहीं लगा ये दूध वाला टेस्ट। तो पानी वाला टेस्ट अच्छा लगता है हलवे का, हलवे में पानी डाल के बनाओ तो ठीक लगता है, और ये दूध डाल के कुछ अलग नहीं लगा, नहीं अच्छा लगा मुझे। फिर उसके बाद ये मैं खुद के लिए थोड़ा सा, अभी घर में अकेले थी, ऐसे तो दिन भर मैं अकेले रहती हूँ, तो लेकिन इवनिंग का टाइम था, तो मैं सोची कि थोड़ा सा स्किन मेरा बहुत ड्राई हो रहा था, तो मैं कुछ होम रेमेडी कुछ अपने स्किन फेस पे अप्लाई करी, ताकि स्किन थोड़ा सा, हवा बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, तो स्किन बहुत ड्राई ड्राई हो जाता है, बाल भी। तो मैं थोड़ा सा उपचार कर रही हूँ ताकि थोड़ा ठीक हो जाए। तो यही और फ्रेंड उसके बाद फिर खाना बना रही हूँ मैं। तो खाना में ये अभी मैं सेम खरीदी थी, सेम का सब्जी, आलू सेम का सब्जी और रोटी ये बनाऊँगी। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा चावल बनाना है देवर के लिए, लेकिन नहीं बनाई, सब्जी रोटी ही बनाई। फिर दिन का भी थोड़ा चावल था, तो उसको मैं ये फ्राई कर रही हूँ जीरा लहसुन और हरी मिर्च डाल के। तो और अभी सब्जी रोटी थोड़ा बनाई तो हो जाएगा इसी में। और ये चावल में ऊपर से मैं घी डाल दी, गरम है अभी तो सारे में मिक्स हो जाएगा, ये तो ठंडे में घी अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं इसी में घी डाल के फिर इसको मिला दूँगी ताकि सारे प्लेट में चला जाएगा। तो फ्रेंड वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और फ्रेंड मेरे वीडियो को प्लीज़ 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 फ्रेंड मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और जो कोई मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।